नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे विशबोन सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। जो विशबोन सस्पेंशन सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है, इसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो विशबोन सस्पेंशन सिस्टम है, हमने ये फिगर बनाई है, इसके थ्रू हम इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये टायर हैं, ये टायर है जो फ्रंट टायर है, ये भी टायर है। जो ये हमारा विशबोन सस्पेंशन सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में आता है। इंडिपेंडेंट टाइप यानी कि अगर इस टायर के नीचे कोई खड्डा आ जाता है या इसके नीचे कोई पत्थर आ जाता है तो ये ऊपर जब नीचे होता है तो इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो इसके साथ सरफेस कॉन्टैक्ट में है उसके हिसाब से ही चलता है। तो विशबोन सस्पेंशन सिस्टम क्या है? एक इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए टायर है और ये सरफेस है जिसके ऊपर ये जो हमारी गाड़ी है ये चल रही है, इसके साथ ये दोनों टायर कॉन्टैक्ट में हैं। अब यहाँ पे देखिए जो विशबोन इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर विशबोन शेप की दो आर्म यूज़ की जाती हैं। तो विशबोन शेप बनी होती है इन दो आर्म से। जो ये आर्म है ये अपर आर्म होती है जिसको हम अपर विशबोन आर्म बोलते हैं, और जो ये नीचे वाली आर्म है इसको हम लोअर विशबोन आर्म बोलते हैं। तो जो नीचे वाली आर्म होती है ये थोड़ी लंबी होती है इसकी बजाय। ये क्यों किया होता है ऐसा? ताकि जब भी इसके नीचे कोई चीज़ आए, मान लीजिए कोई खड्डा आ गया या इसके नीचे कोई पत्थर आ गया, ये ऊपर उठ गया, तो इसकी जो आर्क है यानी कि जब देखिए जैसे ये लिंक है तो ये ऊपर की तरफ उठेगा तो जल्दी से जल्दी स्टेबल हो सके और टायर का वियर और टीयर कम हो सके। तो इसलिए इस आर्म को लंबी रखा जाता है और इस आर्म को छोटी रखा जाता है, ज़्यादातर सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए ये है क्रॉस मेंबर, ये क्रॉस मेंबर है जो कि बॉडी का मेंबर होता है, क्रॉस मेंबर। इस क्रॉस मेंबर के बीच में यहाँ पे ये देखिए ये सस्पेंशन सिस्टम लगाया हुआ है। जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो दो चीज़ों से बनता है, जो हमने पहले भी एलिमेंट्स देखे थे सस्पेंशन सिस्टम के। एक तो है इसके अंदर डैम्पर। डैम्पर क्या करता है? जो हमारा ये स्प्रिंग है, दूसरा होता है ये स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है जब ये ओसिलेट करता है तो इसको जल्दी से स्टेबल करने के लिए डैम्पर का यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ स्प्रिंग यूज़ किया गया है, डैम्पर यूज़ किया गया है। आप इस तरह का कम्बिनेशन देख सकते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है और इसके बीच में इस तरह से यहाँ पे डैम्पर होता है। तो ये दोनों कम्बिनेशन में काम करते हैं। जैसे ही नीचे कोई खड्डा आता है या ये ऊंचाई पे टायर जाता है तो उससे क्या होता है, जो ये पूरा सिस्टम है सस्पेंशन सिस्टम है ये काम करता है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो सस्पेंशन सिस्टम है कहाँ पे लगा है, लोअर विशबोन आर्म पे, और जो ये क्रॉस मेंबर है इसके बिल्कुल बीच में लगा है। इसके अंदर देखिए जो ये लोअर विशबोन आर्म का लिंक है वो क्रॉस मेंबर के नीचे अटैच है और जो अपर विशबोन आर्म का लिंक है वो क्रॉस मेंबर के ऊपर अटैच है, ताकि ये अच्छी तरह से काम कर सके जो भी ये सस्पेंशन सिस्टम हमने इसके बीच में लगाया है। तो विशबोन सस्पेंशन सिस्टम इस तरह से काम करता है दोनों के कम्बिनेशन में। जब इसके नीचे कोई खड्डा आ जाता है या ऊंचाई पर टायर जाता है तो इसका जो फर्क है इसके ऊपर नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको विशबोन सस्पेंशन सिस्टम बोला गया है, क्योंकि विशबोन इसके अंदर यूज की गई है, विशबोन शेप के लिंक इसके अंदर यूज किए गए हैं और उनके बीच में सस्पेंशन जो एलिमेंट्स हैं वो यूज किए गए हैं। तो विशबोन जो सस्पेंशन सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में आता है। तो ये था विशबोन सस्पेंशन सिस्टम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।